डी वाई एक्कल ऑन्सो का इक्वेशन है। बेसिकली उन्होंने क्या करा, पहले मोलर कंडक्टेंस और अंडर रूट ऑफ सी का ग्राफ प्लॉट करा एक्सपेरिमेंटली, और उन्होंने ऑब्जर्व करा जो ग्राफ आ रहा था वो स्ट्रेट लाइन आ रहा था, ठीक है। इसी में उन्होंने क्या करा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगा दी, दैट इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई क्या है यहाँ पर, मोलर कंडक्टेंस, एक्स क्या है यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ सी। एक्स की बात करें इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पर, देखो डायल्यूशन करते जाओगे तो क्या होता जाएगा, डायल्यूशन के दौरान पर क्या होता जा रहा है, कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, जिसके कारण क्या होता जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे करके बढ़ जाएगी और एक टाइम बाद मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगी। तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट मैक्सिमम डायल्यूशन, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी डायल्यूशन जिसको बोला जाता है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो अगर हम बात करें इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, तो ये जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी डायल्यूशन, है ना। और अगर हम इंटरसेप्ट की स्लोप की बात करें, स्लोप एक तो नेगेटिव आ रहा है तो माइनस आ जाएगा, और उन्होंने अपने कांस्टेंट नाम दे दिया, दैट इज बी। तो बी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो कि क्या होता है, डी बायकल कांस्टेंट कहलाता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटली फिक्स होता है। अगर आप इक्वेशन को लिख दें तो कितना हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट ऑफ सी प्लस में मोलर कंडक्टेंस एट द इन्फिनिटी डायल्यूशन। इसको रीअरेंज करने के बाद इक्वेशन ऐसी आएगी। किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ ऐसा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसमें अल्फा बढ़ जाता है ऑन डायल्यूशन, तो इसके लिए ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है।